जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील ठाकुर द्वारा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवसों में आने वाली जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। शनिवार को आयोजित इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम रामूवाला शेखू में ग्राम प्रधान वीना देवी द्वारा अपने अथक प्रयासों से अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण कराने पर उनके इस कार्य की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों को निर्देश दिए कि IGRS शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने के कारण डिफॉल्ट होने से जनपद की ग्रेडिंग खराब हो रही है। हमें न केवल शिकायतों का निस्तारण करना है बल्कि शिकायतकर्ता को सही बात बताकर संतुष्टि भी देनी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस में आवेदकों द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाए उसमें आवेदन का अथवा उसके किसी परिचित का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज हो। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण और अनुश्रवण के संबंध में निर्देशित किया कि निजी भूमियों का सीमांकन पैमाइश, निजी भूमियों का अविवादित नामांतरण, खतौनी के नाम और अन्य अशुद्धियों का शोधन, फर्जी बैनामे के आधार पर नामांतरण, कब्जा संबंधी शिकायतों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित लेखपाल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारित किया जाए। राजकीय और सार्वजनिक उपयुक्त भूमियों अथवा चक्रोड, रास्ता, तालाब, खलिहान, नाली, चारागाह आदि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे, निजी भूमियों पर अन्य भूमिधरों, सह खाते द्वारा अवैध कब्जा, पट्टे पर भूमि का कब्जा, आबादी भूमि पर पानी का निकास और आवागमन अभियुक्त करने संबंधी शिकायतों का तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित थाने के हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारित कराया जाए। गृह विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रकरण संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को संदर्भित कर दिया जाए और सामाजिक न्याय विकास और अन्य विभाग से संबंधित शिकायतों को खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा यथा आवश्यकता टीम बनाकर मौके पर भेज कर निस्तारित कराया जाए। गंभीर और अति संवेदनशील मामलों का निस्तारण संबंधित उपजिलाधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा स्वयं यथा आवश्यक ट्रैक्टर और JCB मशीन का प्रयोग कर किया जाए। इन उपकरणों और मशीन के प्रयोग पर होने वाले व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत अथवा अवैध कब्जेदारों से वसूला जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों में से कम 5 महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु मौके पर भेजकर उसी दिन निस्तारित करना सुनिश्चित कराया जाए। तहसील ठाकुर द्वारा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में लगभग 26 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। विद्युत राजस्व विभाग और पुलिस विभाग संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर उप जिलाधिकारी को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधित विवादों और राजस्व विभाग से संबंधित अन्य प्रकरणों को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर जन शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा, तहसीलदार ठाकुर द्वारा, नायब तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन अगर उसको आगे परियोजना में आप ले सकते हैं, ले लीजिए, उसको अवगत करा दीजिए कि इसको ले लिया गया, आगे जैसे ही बजट आएगा आपका करा दिया जाएगा, जिससे उसको पूरी जानकारी तथ्यों को देंगे। देखिए, हम सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, तो हमारा दायित्व है कि पब्लिक को भी विश्वास में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है सोचता है जो हमने निर्णय कर दिया सही कर दिया तो सही है। आपका निर्णय सही हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, आपने सब कुछ करके भेज दिया, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको अवगत कराए कि भाई नहीं, पैसा नहीं आ पा रहा है, जैसे ही भारत सरकार से आपका क्लियर हो जाएगा आपको पैसा दे दिया जाएगा। ये चीजें लाभार्थियों को बताई दी जाए और प्रातः 10 बजे से 12 बीच में माननीय मुख्य सचिव महोदय का एक आदेश आ गया था कि 9 से 11 बैठना है, तो उसमें संशोधन अब हो गया है कि 10 बजे से 12 बजे तक सभी अधिकारियों को कार्यालय में बैठना है। कुछ अधिकारी हो सकता है कि उनका फील्ड का काम होता हो, थोड़ी देर बैठ करके अपने किसी अधीनस्थ को बैठा करके फील्ड में आप निकल सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन कार्यालय में कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर बैठा रहे जो शिकायतों का समय से ले ले और आपके आपके आने पर आपके सामने प्रस्तुत कर दे, जिसको सुनिश्चित करना है। तहसील दिवस में और थाना दिवस में सामान्यतः भूमि विवाद आते हैं, जिसमें मैं अपने पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा इसमें ज्वाइंट एफर्ट करने की जरूरत होती है।
कई बार शिकायत में लिख के आ जाती है पुलिस से कि राजस्व विभाग से संबंधित राजस्व कहता है कि पुलिस के सहयोग की जरूरत है। फिर थाना दिवस किस बात के लिए? थाना दिवस इसी बात के लिए है कि अगर राजस्व विभाग से संबंधित है तो राजस्व विभाग से कोऑर्डिनेट किया जाए, पुलिस विभाग से संबंधित है तो पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जाए। एक चीज अजय आप और देख लीजिएगा कि कुछ लेखपाल आपके ऐसे हैं जिनका क्षेत्र एक से अधिक थानों में पड़ता है, जैसे अभी सदर के एसडीएम ने डे फिक्स कर दिया है कि सेकंड को इस थाने पर रहेंगे, फोर्थ को इस थाने पर रहेंगे। आप भी फिक्स कर दीजिए, ऐसा ना हो कि लेखपाल का डिसीजन रहे कि कब कहाँ रहेगा या मेबी को कहीं ना रहे, तो फिक्स कर दीजिए जिनका दो थानों में है कि इस सैटरडे को यहाँ रहेंगे, इस सैटरडे को यहाँ रहेंगे। दो से ज्यादा थाने सामान्य नहीं होंगे किसी लेखपाल के, अगर होते हैं तो उसका भी रोस्टर फिक्स करिए और उसकी काफी सीरियल आपको दे दीजिए, जिससे इनके भी संज्ञान में रहे कि आज किस किस लेखपाल को आना चाहिए और कौन कौन नहीं आया है, और उसमें मोबाइल नंबर भी लेखपाल लोगों में डाल दीजिए, जिससे न आने पर या कोई मामला आने तक बीच में भी थाने दिवस का इंतजार न किया जाए, बीच में भी कोई मामला आता है कौन विवाद का तो लेखपाल को फोन करके बुलवा लिया जाए और उसका निस्तारण।